सोरा, इतना सुंदर आप गा रही है, कहाँ कहाँ पर आपने गाई है, आपको याद है? हाँ, मैंने पापा के साथ बहुत सारे स्टेजेस पे गाया है और मैंने क्लास में भी बहुत बार गाया है। अच्छा, जब भी मैं कोई भी मैम पूछती है कि किसको गाना आता है अच्छे से या किसको गाना गाना है अभी, तो मुझे नहीं गाना होता, फिर भी पूरी क्लास मेरे ऊपर टूट पड़ती है कि मैम अंतराई सिंगर, अंतराई सिंगर। अंतराई सिंगर, तो बस प्रेशर डालते हैं आपको, गाना है गाना है। हाँ, तो और कोई और सहेली नहीं हो जो खड़ी होती, हाँ मैं गाऊंगी, ऐसा कोई होती? हाँ, पहले एक बार स्टार्टिंग मुझसे ही होती है, एंडिंग भी मुझसे ही होती है, अच्छा बीच बीच में कोई हाथ ऊपर कर लेता है, मैं बोला मैं बच गई। अच्छा, ये बात है, मतलब इतना गाती हैं कि जब भी कोई गीत की बात हो तो आपके क्लास में आपको ही बुलाया जाता है। और घर में भी गाती है? घर में कौन कौन है? घर में मम्मी पापा दीदी और मैं। तो उन लोग भी गाते हैं? हाँ, अच्छा, मम्मी पापा क्या करते हैं? मम्मी हाउसवाइफ है और पापा जॉब करते हैं। जॉब करते हैं, क्या जॉब हाँ, करते हैं? ओरिएंटल इंश्योरेंस में पापा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं अच्छा, और क्या करते हैं? और पापा म्यूजिक डायरेक्टर हैं, प्लेबैक सिंगर हैं, राजभाषा अधिकारी हैं। अच्छा, राजभाषा अधिकारी, वाह बहुत अच्छा, हम पहली बार सुन रहे हैं। इसलिए मुझे हिंदी भी बहुत अच्छी आती है। वाह, वेरी गुड, पापा सिखाते हैं आपको हिंदी। हाँ, अच्छा, तो पापा म्यूजिक डायरेक्टर हैं, तो आप ट्रेनिंग वगैरह कौन देते हैं आपको? म्यूजिक डायरेक्टर पापा ही हैं तो टीचर भी हो गए, उन्हीं से सीखते हैं कि कुछ और सीखते हैं? उनसे भी सीखती हूँ कभी कभी। मम्मी मेरे को रात में गाने भी सिखाती है, अलग अलग पुराने या नए। और दीदी से भी मैं कभी कभी, पापा अगर ऑफिस होते तो पहले तो हम लोग रियाज करते हैं, फिर हम थोड़ी थोड़ी गाने की प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा, तो सर अभी इतना अच्छा गाती है, हमारा तो मन कर रहा है और सुने आपसे, तो अभी कौन सा गीत सुनाएंगे? तो लग जा गले। चलिए सुनते हैं हम लग जा गले। लग जा गले, हसी रात, लग जा गले के फिर हसी रात हो ना, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना। लग जा गले से
जाओ।